तो ये देखिए भाई, लाला जी के ढाबे का खाना आ चुका है। लाला जी के ढाबे को सब्सक्राइब करो। राम राम जी, आज आप लोगों का स्वागत है लाला जी का ढाबा .com में। आज मैं करण दुआ जी के साथ कोलैब किया हूँ और उसमें करण दुआ जी से बात हुई है हमारी। ये वीडियो हमारी गुम हो गई थी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, और अभी वीडियो मिली है तो हम इसको डाल रहे हैं। और उनसे हमने लास्ट में पूछा है कि ये खाना कैसा बना है, देखिए आप लोग। इनके चैनल का नाम है दिल से फूडी और ये होम सेफ भी हैं, और ये हर ढाबाओं पे हर जगह जा जा के ये रिव्यू भी देते हैं खाने का। और इनका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो मेरे कहने के हिसाब से आप मतलब इनके चैनल को देखें। भाई खा तो मैं लूंगा पर यार घर भी तो लेके जाना है मटर पनीर, लेना अल्लाह जी। एक प्लेट पैक कर दो। एक प्लेट कितने का दिया? 50 रुपये का। 50 रुपये का फुल एक प्लेट मटर पनीर पैक करा रहा हूँ घर के लिए। आप देख सकते हो पैकिंग किस में हो रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है इंडिया के अंदर, 2 अक्टूबर के बाद अनाउंसमेंट हो चुकी है। और अगर सीरियसली बोलो ना गाइस, कि अगर लाला जी यूज़ कर सकते हैं ढाबे पर ये चीज़ ना, तो पूरा इंडिया यूज़ कर सकता है। अगर आप बदलोगे तभी देश बदलेगा। सच में जिसने भी बोली ये लाइन, ये सही है, सच बोली। ये हो गई पैक। और इसके लिए इसको डालने के लिए भी कुछ विदाउट थैली वाला कुछ है? ये जो आता है ना, ये कपड़े टाइप का, इस टाइप का। क्या बात है, तो ये इसमें डाल दो भाई। मैं तो बस अब लाला जी जल्दी टेस्ट करा दो यार रोटी बना के। तो ये देखिए भाई, लाला जी के ढाबे का खाना आ चुका है। ये देखिए भाई, दाल बुखारा, मटर पनीर आ चुका है। लुक एट द कलर गाइस। और ये रहा बैंगन का भरता, जिसके लिए मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि ये आए तो फूड टेस्टिंग स्टार्ट करें। लाला जी के ढाबे का खाना हमारे सामने पड़ा है। लाला जी गर्मा गर्म रोटियाँ बना रहे हैं और मैंने एक पराठा भी मंगवा लिया। तो ये देखिए होममेड फूड है, होममेड रोटी है, बहुत बढ़िया। और अब करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। पहले करूँगा मैं बैंगन का भरता। अगर आप मायापुरी में ही आसपास रहते हो तो यार आप आओ ना यार, ट्राई करो लाला जी का ढाबा। अरे वाह भाई, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, मसाले ज़्यादा नहीं डाले हुए, तो मुझे खाने में मज़ा बहुत आ रहा। तीन मुंह वाला वो कहते हैं रोटी, तीन मुंह वाला तिकोना पराठा, तिकोना पराठा। तो आप इसकी वेट कर रहे हो यार? लाला जी के ढाबे को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आके खाना जरूर ट्राई करना और हमें जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी बढ़िया सी स्टोरी के साथ दोबारा से जल्द। थैंक यू। नहीं सर, बहुत बढ़िया खाना है, मज़ा आ गया। ऐसे ही बनाते रहो और लोगों का पेट भरते रहो, बाकी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे लाला जी के ढाबे पर? ज़रूर भाई, और जब नॉनवेज बनाओगे तब।